Assalamu alaikum, dear student. I hope you are all fine. In last lecture, I discussed intent and its type. First of all, I said intent is used to communicate in Android operating system between different Android components. First type of intent is explicit intent. In explicit intent, you actually specify the component name where you want to go or in where you want to open an activity. While in explicit intent, you do not specify the Android component which should be called. It will only specify the action to be performed. In today's lecture, I will discuss the notification. A notification is a message that Android display outside of your app to provide the user with reminder, communication from the other peoples, or other timely information from your app. User can tap the notification to open the app or take an action to directly from the notification. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं. नोटिफिकेशन जो होते हैं हमारे पास ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से जो है रेज होते हैं, कॉल होते हैं. जब भी कभी आपके एप्लीकेशन को आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है या आपके सॉफ्टवेयर की अपडेशन आती है तो उस सूरत में आपके पास जो होते हैं या कोई नया मैसेजेस आता है, जैसे आपको व्हाट्सएप है तो आप उस वक्त नोटिफिकेशन आते हैं. ठीक है, नोटिफिकेशन जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टेटस बार के ऊपर आते हैं. जब आपकी जो होम स्क्रीन होती है ना विंडो की, तो वहाँ पे ये मैसेजेस आते हैं. तो मैसेज आपके जो है विद इन एप्लीकेशन नहीं होते बट आउटसाइड द एप्लीकेशन. जो विद इन होते हैं वो तो आपके पास जैसे टोस्ट है या आपके पास डायलॉग बॉक्सेज है, वो विद इन आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो मैसेजिंग होती है वो आप टोस यूज़ करते हैं या डायलॉग बॉक्स या पॉपअप विंडोज़ जो होती हैं वो यूज़ करते हैं. लेकिन जो नोटिफिकेशन है ये आउटसाइड द यूज़र इंटरफेस होते हैं और एक्चुअली यूज़र जो नोटिफिकेशन है इट इज़ एक्चुअली मैनेज बाय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट योर एप्लीकेशन. इट इज़ एक्चुअली नॉट मैनेज बाय योर एप्लीकेशन, इट इज़ मैनेज बाय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन जो है ये आपके एप्लीकेशन के बाहर रेज होते हैं और दूसरा ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इसको डील करता है, ना कि आपका एप्लीकेशन. जैसे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है तो हर नोटिफिकेशन के अंदर जो है आप एक आइकन होता है, ये स्मॉल आइकन है, यहाँ पे एक लार्ज आइकन भी होता है. ये जो है आपके पास मैसेज का टाइटल है और ये मैसेज आपके नोटिफिकेशन की डिटेल है. ठीक है, तो इसी तरह से ये टाइम स्टैम्प भी आप लगा सकते हैं. तो हर नोटिफिकेशन की बेसिक ये चीज़ें जो है ये फंडामेंटल्स हैं कि आप ये चीज़ें लगा सकते हैं, आइकन्स लगा सकते हैं, टाइटल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसके अलावा भी आप जो है जैसे टाइम स्टैम्प है, किस एप्लीकेशन का ये नोटिफिकेशन है. ठीक है, तो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. अच्छा, हाउ आर नोटिफिकेशन आज यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये आपके पास ये नोटिफिकेशन ये जो है आपके पास जो है ये फिगर वन नोटिफिकेशन आइकन्स अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार. ये आपके मोबाइल की स्टेटस बार है और यहाँ पे देखें ये एम फॉर आपका जो जी मेल की जो मेल है उसका है और ये कोई SMS या कि नोटिफिकेशन है. तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास स्टेटस बार और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं. ठीक है, तो एंड्रॉयड इशू आर नोटिफिकेशन दैट अपीयर एज एन आइकन ऑन द स्टेटस बार. तो आपके पास एज आइकन जो है ये नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं. टू सी द डिटेल यूजर ओपन द नोटिफिकेशन ड्रॉ. तो ये जो है अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप जो है ड्रॉ को ओपन करें तो आप इसकी डिटेल को देख लेंगे. तो ये हर एक जो सेक्शन है ये 1, 2, 3 ये हर एक सेक्शन को आप ड्रॉ कह सकते हैं. ठीक है, जैसे ड्रॉ कह सकते हैं और इसके ऊपर जब आप टैप करेंगे क्लिक करेंगे तो आप जो है एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, मज़ीद जो है इसकी डिटेल जान सकते हैं. ठीक है, यूज़र कैन व्यू द नोटिफिकेशन एनी टाइम इन द नोटिफिकेशन ड्रॉ. तो यूज़र जो है किसी भी टाइम पर जो है वो नोटिफिकेशन को देख सकता है.
टीवी चैनल्स जस्ट जस्ट लाइक यू, नोटिफिकेशन चैनल जो है जस्ट लाइक टीवी चैनल। आप कुछ चैनल्स को आप कह देते हैं कि ये मूवीज़ के लिए हैं, कुछ को कार्टून के लिए हैं, कुछ जो है आपके पास एंटरटेनमेंट या ड्रामास के लिए। तो इस तरीके से आप जो है ना कि अपने नोटिफिकेशन को कैटेगराइज कर लेते हैं इनटू अ डिफरेंट चैनल। तो नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप नोटिफिकेशन चैनल बनाएं, फिर उसके बाद आप नोटिफिकेशन जार कम्पैक्ट की क्लास को यूज़ करते हैं, और थर्ड स्टेप में आप जो है इंटेंट के ऊपर एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टैब का एक्शन है, तो आप उस जब टैब करते हैं तो आपकी वो एप्लीकेशन ओपन हो सकती है, ठीक है, या आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नोटिफिकेशन चैनल क्या है, नोटिफिकेशन चैनल जो है आप जैसे मैंने बात की कि ये जो है आपके पास एक कैटेगराइजेशन है। जैसे आप चैनल्स को एक कैटेगरी में रख लेते हैं कि ये कार्टून्स के लिए चैनल्स हैं, ये मूवीज़ के लिए हैं, ये ड्रामास के लिए चैनल्स हैं। तो इसी तरीके से हम नोटिफिकेशन को भी आप एक कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चैनल यूज टू क्रिएट अ यूजर कस्टमाइजेबल चैनल फॉर ईच टाइप ऑफ नोटिफिकेशन टू बी डिस्प्ले, ठीक है। तो आप जो है अपने अपने लिहाज से, अपने एप्लीकेशन के लिहाज से कस्टमाइजेबल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास जो है वो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की कोई ऐप बना रहे हैं, तो आप एक तरह के आप जो पेशेंट नोटिफिकेशन जो है या कर सकते हैं, मसलन पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, अप्रूव, ठीक है। तो इस तरह के आप जो है ना एक तरीके का चैनल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है आप डॉक्टर्स के रिलेटेड भी आप जो है वो अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, अपॉइंटमेंट का जो है नोटिफिकेशन का चैनल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप एक तरह के चैनल के अंदर आप एक ही तरह के जो है आप नोटिफिकेशन रखने की कोशिश करते हैं। मोर देन वन नोटिफिकेशन कैन बी ग्रुप इन इन टू अ चैनल। तो आप एक चैनल के अंदर एक ही तरह के जो है वो नोटिफिकेशन रख सकते हैं। चैनल आर नेसेसरी इन नोटिफिकेशन चैनल, जैसे मैंने बताया कि चैनल जो है नोटिफिकेशन के अंदर ज़रूरी है। विदाउट चैनल आप नोटिफिकेशन नहीं बना सकते। एंड्रॉयड का जो आपके पास वर्जन है 8.0 और API लेवल 26, तो नोटिफिकेशन जो है उसके लिए चैनल ज़रूरी है। नोटिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस इन एंड्रॉयड 8.0, तो वहाँ पे आपके पास जो है ये नोट चैनल सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन मस्ट बी असाइन टू अ चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्रॉयड 8.0, एल्स योर नोटिफिकेशन विल नॉट बी डिस्प्ले। तो नोटिफिकेशन चैनल जो वो मैंडेटरी है, अदरवाइज जो है आप नोटिफिकेशन नहीं क्रिएट कर सकेंगे जो जिसके एंड्रॉयड के जो लेटेस्ट वर्जन है। तो जितने भी आपके जो नोटिफिकेशन हैं उसको आपने कोई ना कोई चैनल असाइन करना है, मीन कोई ना कोई कैटेगरी असाइन करनी है। फॉर द एप टारगेटिंग लोअर देन एंड्रॉयड 8.0, नो नीड टू इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन। अगर आपके पास जो है एंड्रॉयड का जो वर्जन है 8.0 से कम है, तो आपको आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप नोटिफिकेशन चैनल इन सेटिंग, जब आप किसी भी नोटिफिकेशन, जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ होता है तो उसके ऊपर जो है आप 1 या 2 सेकंड्स के लिए टैप करके रखें, जैसे ये नोटिफिकेशन मल्टीपल आए हुए, तो आप किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर 1 या 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखें तो आपके पास जो है इस तरह की सेटिंग्स आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो है अपने नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर सकते हैं, मीन आपको वो रिमाइंडर्स नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, या आप अपने नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट अच्छे से ईमेल है तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप अलाउ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप है, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं, या आप उस पर डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं कि इस किस्म के मैसेज जो है वो इस किस्म की वॉइस जनरेट करें, इस तरह का साउंड जनरेट करें, या वो वाइब्रेट हो, या वो कोई और तरीके के जो है वो वॉइस जनरेट करें, तो वो आप इसकी सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन चैनल्स अपीयर एज अ कैटेगरी अंडर ऐप नोटिफिकेशन इन द डिवाइस सेटिंग, तो आपने जो भी चैनल असाइन किया होता है वो एज अ कैटेगरी यहाँ पे शोर होता है, तो आप यहाँ से उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप कोई भी नोटिफिकेशन जब क्रिएट करते हैं तो एंड्रॉयड का जो वर्जन है 8.0, तो सबसे पहले आपको चैनल क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो चैनल के लिए यू मस्ट स्पेसिफाई द आईडी, यूनिक आईडी ऑफ यूनिक आईडी विद इन योर पैकेज एंड यूज़र विजिबल नेम ऑफ द चैनल एंड थर्ड द इम्पोर्टेंस लेवल ऑफ द चैनल। तो आपने 3 आर्गूमेंट्स जो हैं मस्ट स्पेसिफाई करने हैं जब भी आपने कोई चैनल क्रिएट करना, एक आईडी है, दूसरा चैनल का नेम है, थर्ड उसका इम्पोर्टेंस लेवल। ठीक है, इम्पोर्टेंस लेवल ये है कि वो इम्पोर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी है, या वो लेस इम्पोर्टेंट है, तो ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आप डिफरेंटली जो है वो आप इम्पोर्टेंस के लेवल जो है वो डिफरेंट असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि आप अर्जेंट है, हाई है, मीडियम है, तो आप इम्पोर्टेंस हाई, इम्पोर्टेंस डिफॉल्ट, या इम्पोर्टेंस लो, या इम्पोर्टेंट मिनिमम जो है ये असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड जो आर्गूमेंट्स है। इसके अलावा नोटिफिकेशन मैनेजर, नोटिफाई मैनेजर, नोटिफाई मैनेजर, ये एक्चुअली जो है आपके पास क्लास है जो कि इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है कि नोटिफिकेशन को मैनेज कर रही होती है। मिसल ये क्यों, जैसे मैंने बताया कि नोटिफिकेशन जो है वो आउटसाइड द ऐप मैनेज हो रहे होते हैं, यानी कि ये आपकी एप्लीकेशन नहीं मैनेज कर रही बल्कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होती है। तो आपने सिस्टम को कैसे एक्सेस करना है, सिस्टम के नोटिफिकेशन को की एपीआई को कैसे एक्सेस करना है, तो आप गेट सिस्टम्स, सिस्टम सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस के ज़रिए आप इस जब ये लाइन लिखेंगे तो आप सिस्टम के नोटिफिकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो उस तो आपका इस तरीके से आप जो सिस्टम के नोटिफिकेशन को आप एक्सेस कर लेंगे। इसके अलावा जो है, अब जैसे मैंने बताया कि जो नोट जो चैनल है, जो चैनल जो है आपके पास एंड्रॉयड के जो वर्जन है, एंड्रॉयड को जो वर्जन है 8.0 उसमें आया है, या एपीआई लेवल 26 है, अगर एंड्रॉयड का वर्जन जो है इससे लेस है तो वहाँ पे आप चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है, इफ़ बिल्ड डॉट वर्जन एसटीके इंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स डॉट ओ मीन ओरियो का वर्जन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो यानी कि 8.0 है, या एंड्रॉयड का जो वर्जन है, जो बिल्ड वर्जन है, या एपीआई का वर्जन जो है वो 8.1 से ग्रेटर है या इक्वल है, तभी जो है आप चैनल क्रिएट करें। यहाँ पे आप एक्चुअली आपने नोटिफिकेशन चैनल, उसके बाद नोटिफिकेशन चैनल की क्लास होगी यहाँ पे, नोटिफिकेशन चैनल का ये ऑब्जेक्ट होगा न्यू नोटिफिकेशन, और उसके अंदर आपने 3 आर्गूमेंट्स जो हैं वो असाइन करने हैं, वहाँ से एक आईडी है, दूसरा नोटिफिकेशन करना है मैं, थर्ड उसका चैनल है। तो यहाँ पे यही हुआ, नोटिफिकेशन का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर फर्स्ट चैनल आईडी पास की, आप कोई भी आईडी पास कर सकते हैं लेकिन वो यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास इसका टाइटल है, और थर्ड जो है नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पोर्टेंस डिफॉल्ट, जो कि आप इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस जो है वो हाई रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, लो रख सकते हैं, और मिनिमम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन चैनल डॉट इनेबल लाइट, मीन आप ट्रू कर रहेंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, वाइल की नोटिफिकेशन चैनल सेट लाइट कलर डॉट रेड, तो कलर उसका रेड होगा। नोटिफिकेशन इनेबल वाइब्रेशन, तो वाइब्रेट करेगा जब आप इसको ट्रू सेट करेंगे। नोटिफिकेशन चैनल सेट डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन फ्रॉम मास्कआउट, तो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट चैनल, तो इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, सिस्टम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए आप जो है आप इसको पैरामीटर सेंड कर देंगे, इस तरीके से आप चैनल क्रिएट कर लेंगे।
तो इम्पोर्टेंस जो है इट इज़ अवेलेबल एंड्रॉयड 8.0 या एपीआई लेवल 26 और हायर। तो ये आपका पास जो है इम्पोर्टेंस का जो पैरामीटर है, अगर आपके पास एंड्रॉयड का जो वर्जन 8 है तभी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेट द इंट्रूजन लेवल लाइक द साउंड एंड विजिबिलिटी फॉर ऑल नोटिफिकेशन पोस्टेड इन द चैनल। आप यहाँ पर अपने इसके अलावा जो है आप जो है वो इंट्रूजन लेवल साउंड्स सेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा साउंड जनरेट हो, विजिबिलिटी क्या हो। इसके अलावा यू कैन सेट आल्सो द रेंज फ्रॉम इम्पोर्टर्स नन टू इम्पोर्टर्स हाई, 0 से लेकर आप 4 तक सेट कर सकते हैं इम्पोर्टर्स नन या इम्पोर्टर्स हाई टू सपोर्ट अर्लियर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड लोअर देन एपीआई लेवल सेट प्रायोरिटी। अगर आपके पास लोअर लेवल है एंड्रॉयड का वर्जन या एपीआई का वर्जन 26 है तो आप प्रायोरिटी असाइन करें। जैसे यहाँ पे जो है वो ये वाले कांस्टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे आप प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड का वर्जन 8 है तो आप ये पैरामीटर यूज़ करेंगे, अगर एंड्रॉयड का वर्जन 7.1 से कम है तो आप ये वाले पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो देर आर 4 टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस लेवल इन एंड्रॉयड। अर्जेंट मेक अ साउंड एंड अपीयर एज हेड्स अप नोटिफिकेशन, हाई मेक अ साउंड, मीडियम है नो साउंड, लो है नो साउंड एंड डज नॉट अपीयर इन द स्टेटस बार। तो अगर आपके पास जो है आपका जो नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप उस सूरत में आपकी वॉइस जो है वो जनरेट होगी और हेड्स अप नोटिफिकेशन होंगे तो आपको ये सेट करना पड़ेगा। अगर 8 पॉइंट ये इम्पोर्टेंस हाई का जो कांस्टेंट है ये असाइन करना पड़ा। अदरवाइज अगर आपके पास जो एंड्रॉयड का वर्जन लेस देना है तो ये वाला प्रायोरिटी हाई या प्रायोरिटी मैक्सिमम की आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर हाई है मेक अ साउंड यानी कि थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है देन अर्जेंट तो आप इम्पोर्टेंस डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आपके पास वॉइस ही जनरेट होगी, आपका हेड्स अप नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। मीडियम है तो आप उसकी सूरत में कोई भी साउंड नहीं जनरेट होगा तो आप ये वाला कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लो है इम्पोर्टेंस लेवल मिनिमम आपको यूज़ करना पड़ेगा, और अगर लेस आपका एंड्रॉयड का वर्जन लेस देन है 8.0 तो आप प्रायोरिटी मेन का कांस्टेंट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बात की कि नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए आपको जो दूसरा स्टेप है, पहले आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए आपको नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर की क्लास को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बगैर आप नोटिफिकेशन नहीं बना सकते। नोटिफिकेशन इज क्रिएटेड यूजिंग नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर क्लास, तो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। कंपैक्ट से मुराद ये है कि ये प्रीवियसली वर्जन्स को भी सपोर्ट करेगी, जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है उसको भी सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वी कैन पास द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड नोटिफिकेशन चैनल टू द कंस्ट्रक्टर। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का जो कंस्ट्रक्टर, उसमें आपने एक तो एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट इनके जो करंट क्लास का नेम है वो सेंड करना होगा, दिस कीवर्ड सेंड करें तो आप कॉन्टेक्स्ट सेंड कर लेंगे, या चैनल आईडी से मुराद जो है जो आपने प्रीवियसली स्लाइड्स में जो चैनल बनाया था उसकी आईडी आपको ऐसा कंस्ट्रक्टर में पास करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर कंस्ट्रक्टर टेक द नोटिफिकेशन चैनल आईडी, दिस इज ओनली यूज 8.0 एंड हाई, बट दिस पैरामीटर इज इग्नोर्ड बाई द ओल्डर वर्जन। अगर आपके पास प्रीवियसली वर्जन है तो आपको आप असाइन तो कर देंगे लेकिन ये इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट जो है अगर आपके पास सेटिंग नोटिफिकेशन कंटेंट, तो आपके पास देखें ये एक तरह का नोटिफिकेशन है, तो सबसे पहले जो है आप इमेज सेट कर सकते हैं। इमेज सेट करने के लिए आप सेट स्मॉल आइकन का फंक्शन यूज़ करेंगे, स्मॉल आइकन सेट बाय, इस फंक्शन से आप इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपने ये जो टाइटल है ये जो टू है यू कैन यू हैव नोटिफाइड, तो अ टाइटल इज सेट बाय सेट कंटेंट टाइटल का जो फंक्शन इससे आप सेट कर सकते हैं। दिस इज़ योर नोटिफिकेशन टेक्स्ट, तो यू कैन सेट द टेक्स्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट इज सेट बाय सेट कंटेंट टेक्स्ट, दिस इज़ नोटिफिकेशन मैजिक इसके साथ। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन का नेम है, ये आप टाइम स्टैम्प है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। उसके बाद जो है सेटिंग है नोटिफिकेशन कंटेंट, तो नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन जो है आप उसको कंटेंट को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने नोटिफिकेशन बनाना है तो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट की क्लास यूज़ करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट और बिल्डर, ये उसका कंस्ट्रक्ट है, उसमें करंट जो आपकी एक्टिविटी है उसका कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, उसके बाद चैनल आईडी
पास करेंगे, फिर उसके बाद अपने जो इसके जो आपका नोटिफिकेशन का आइकन सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेट स्मॉल आइकन और मिप मैप आईसी, तो आपकी जो रिसोर्सेस में से जो आप असाइन करना चाहते हैं आइकन वो सेट हो जाएगा। सेट कंटेंट टाइटल, यू हैव बीन नोटिफाइड, जैसे ये आपके पास था, ये टाइटल है आपका, इसे देखते जो भी देंगे वो टाइटल बन जाएगा। सेट कंटेंट टेक्स्ट, दिस इज़ योर नोटिफिकेशन टेक्स्ट बॉडी, ठीक है। तो ये आप ये इसका टेक्स्ट इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन से आप सेट कर सकते हैं। एम नोटिफाई मैनेजर, जो कि आपका नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट था, डॉट नोटिफाई, तो आप इस फंक्शन के अंदर जब आप ये आपके नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन की आपकी आईडिया ये यूनिक होनी चाहिए, एम बिल्डर, जो कि आपके नोटिफिकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, डॉट बिल्ड करेंगे, तो एक्चुअली जब आप ये करेंगे तो आपका इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस तरीके का नोटिफिकेशन आपके आपके स्टेटस बार पे इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप किसी बटन्स के ऊपर भी नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। टैप एक्शन एंड एक्शन बटन, तो आप टैप एक्शन भी लगा सकते हैं। मीन जब आप किसी भी नोटिफिकेशन पर क्लिक करें तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मीन आप एक नई एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं वहाँ से, या कोई आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक्शन बटन्स भी आप लगा सकते हैं। मीन वहीं से आप किसी भी नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद रिप्लाई भी कर सकते हैं नेक्स्ट जो है ऐड एक्शन, टैप एक्शन, यानी कि आप नोटिफिकेशन के ऊपर टैप एक्शन कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप एक्शन से मुराद ये कि किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करें, टैप करें, तो आपका क्या एक्शन परफॉर्म हो, तो ये सूरत में आप जो ना कोई नई एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी नोटिफिकेशन मस्ट रिस्पॉन्ड व्हेन व्हेन इट इज़ टैप्ड, जब उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यूजली लॉन्चिंग लॉन्चिंग एन एक्टिविटी इन योर ऐप, तो आप उस नोटिफिकेशन से एसोसिएटेड जो है वो ऐप ओपन हो जाती है। यू सेट एंड कंटेंट यूजिंग अ सेट कंटेंट इंटेंट मेथड, तो जो एक्चुअली जो है आप टैप का मेथड कैसे एसोसिएट करते हैं, आप सेट कंटेंट इंटेंट मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है उसके बाद पास द इंटेंट रैप इन द पेंडिंग इंटेंट ऑब्जेक्ट, तो आप जो है पेंडिंग इंटेंट जो है उसको यूज़ करते हो। पेंडिंग इंटेंट जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंटेंट एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तो इंटेंट और पेंडिंग इंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इंटेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ भी यही मतलब है कि आप पेंडिंग इंटेंट में जो है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि पेंडिंग इंटेंट जो है ना वो आपकी आउटसाइड द एप्लीकेशन होती है, मीन आपके नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पेंडिंग इंटेंट असल में ये है कि आप आउटसाइड द जो नोटिफिकेशन है वो उस पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन एक्शन मेथड, इसी तरह से आप नोटिफिकेशन के ऊपर बटन्स भी लगा सकते हैं, जैसे ये रिप्लाई का, तो एक्शन बटन कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऐप, सच एज स्टार्टिंग अ बैकग्राउंड टास्क, प्लेसिंग अ फोन कॉल एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड सो ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम 7.0 एंड्रॉयड 7.0 और API लेवल 24, रिप्लाई टू मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम नोटिफिकेशन, यू कैन रिप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द नोटिफिकेशन। टू एड एन एक्शन टू एन एक्शन बटन, पास अ पेंडिंग इंटेंट टू द एड एक्शन मेथड, तो अगर आपने बटन्स के ऊपर जो है एक्शन परफॉर्म करना है तो आप जो है आप एज अ पैरामीटर एड एक्शन मेथड के अंदर जो है ये पेंडिंग इंटेंट दे देते हैं, ठीक है। तो पेंडिंग इंटेंट क्या चीज़ है, पेंडिंग इंटेंट इज जस्ट लाइक अ इंटेंट बट इट इज़ आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन, इट इज़ एक्चुअली नॉट मैनेज बाई योर एप्लीकेशन, इट इज़ मैनेज बाई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। पेंडिंग इंटेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेंट एंड टारगेट एक्शन टू परफॉर्म विद इट, ठीक है। तो आप इसके साथ कोई भी टारगेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मीन जब आपके पास नोटिफिकेशन पर क्लिक हो तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, या जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या जो भी टारगेट एप्लीकेशन है वो ओपन करना चाहते हैं तो वो परफॉर्म हो जाएगा। गिविंग अ पेंडिंग इंटेंट टू अनदर एप्लीकेशन टू ग्रांट इट्स राइट टू द परफॉर्म द ऑपरेशन यू हैव स्पेसिफाई एज इफ द अदर एप्स वर योर सेल्फ, तो पेंडिंग इंटेंट टू द अनदर एप्लीकेशन ग्रांट टू द राइट टू द परफॉर्म ऑपरेशन यू हैव स्पेसिफाइड एज इफ द अदर एप्स वॉज योर सेल्फ। तो पेंडिंग इंटेंट इज जस्ट लाइक कि आपने जो है कुछ राइट्स जो हैं
आपने दूसरी एप्लीकेशन को दे दी, अब दूसरी ऐप जो है वो जिस तरीके से चाहे जो है इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैथड्स क्रिएट अ पेंडिंग डेट, टू इंस्टेंशिएट अ पेंडिंग डेट यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप जब भी कोई पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको तीन इन तीनों मेथड में से कोई ना कोई एक मेथड आपको मस्ट यूज़ करना है। पेंडिंग इंटेंट गेट एक्टिविटी, पेंडिंग इंटेंट गेट ब्रॉडकास्ट, पेंडिंग इंटेंट गेट सर्विस। यानी कि आपने अगर आपने कोई एक्टिविटीज से रिलेटेड काम करना है तो गेट एक्टिविटी का फंक्शन, आपने कोई मैस ब्रॉडकास्ट करना है तो ये, या आपने कोई सिस्टम की सर्विसेज लेनी है वाईफाई इंटरनेट GSM वगैरह, तो फिर आप जो है पेंडिंग इंटेंट गेट सर्विस का मेथड यूज़ करेंगे। तो पेंडिंग इंटेंट मेथड, पेंडिंग इंटेंट जो है आपके पास क्लास नेम है, इसके मेथड, इसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके आर्गुमेंट में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट आर्गुमेंट है। नेक्स्ट जो है रिक्वेस्ट कोड कांस्टेंट इंटीजर आईडी फॉर द पेंडिंग इंटेंट की आईडी है। इंटेंट टू बी डिलीवर थर्ड आर्गुमेंट है कि कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए, किसको ये इंटेंट डिलीवर होना चाहिए। पेंडिंग इंटेंट फ्लैग डिटरमाइन हाउ द सिस्टम हैंडल मल्टीपल पेंडिंग इंटेंट फ्रॉम द सेम ऐप। तो अगर आपके पास मल्टीपल नोटिफिकेशंस हैं तो उस मल्टीपल पेंडिंग इंटेंट है तो किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो वो आप इस फ्लैग्स के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले ये तीन स्टेप्स हैं क्रिएट करने के लिए पेंडिंग इंटेंट। क्रिएट इंटेंट स्टेप वन और वन के अंदर आप जस्ट लाइक इंटेंट जैसे आप करते हैं उसी तरीके से आप करते हैं। इंटेंट नोटिफिकेशन इंटेंट, इट इज़ योर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंट, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं न्यू इंटेंट। और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें अपने करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट और मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, दूसरी एक्टिविटी का क्लास का नेम यानी कि डिस्टिनेशन। उसके बाद क्रिएट अ पेंडिंग इंटेंट, पेंडिंग इंटेंट इज ए क्लास नेम ऑफ योर इंटेंट। नोटिफिकेशन पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी, जो फंक्शन है मैंने बताया कि उनमें से किसी एक को यूज़ करें, गेट एक्टिविटी, गेट ब्रॉडकास्ट या गेट सर्विस। यहाँ पे गेट एक्टिविटी यूज़ किया हुआ है और दिस करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, नोटिफिकेशन आईडी, नोटिफिकेशन इंटेंट। ये नोटिफिकेशन इंटेंट जो है वो आपका इसका ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं। और पेंडिंग इंटेंट फ्लैग, यानी कि आप पेंडिंग इंटेंट फ्लैग अपडेट करंट, यानी कि आपका अगर मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर इंटेंट हो तो किस तरीके से हैंडल हो। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर जो है आप एड नोटिफिकेशन, एड टू द नोटिफिकेशन बिल्डर टू सेट टैप एक्शन टू द नोटिफिकेशन। तो अगर उसके लिए जो है ना सेट कंटेंट इंटेंट का जो आपके पास फंक्शन है उसके अंदर आप नोटिफिकेशन एक्शन पेंडिंग इंटेंट पास कर देते हैं। असल ये वाला जो है ऑब्जेक्ट जो है आप इस फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो है आप जो है आपके नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, या आप उस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी आप जो काम करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप एक्शन जो हैं टैप एक्शन भी लगा सकते हैं, बटन के ऊपर बटन भी लगा सकते हैं। यूज़ नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर एड एक्शन, और उसके तो आप यू कैन पास एन आइकन कैप्शन एंड पेंडिंग इंटेंट। तो एड एक्शन के अंदर आप इमेज का नेम पास करेंगे, हार्ड डॉट ड्राइवल IC कलर लेंस ब्लैक एंड स्कोर 24 DP। उसके बाद ये लेबल है। उसके बाद नोटिफिकेशन पेंडिंग इंटेंट, आप इस तरीके से आप जो है अपेंड आप जो है नोटिफिकेशन के ऊपर टैब का एक्शन भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है बटन भी लगा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे।